हे गाइस यार, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, मैं पार्ट थर्ड के साथ आ चुका हूँ, जो कि विराट कोहली का शेडिंग ट्यूटोरियल है। और पार्ट वन और पार्ट टू अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो अपर पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, उसको कम्प्लीट करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट बियर्ड को कम्प्लीट करने वाले हैं। बियर्ड बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रो करने वाले हैं। कैसे ड्रो करेंगे, कुछ बहुत ही ईजी टेक्निक वगैरह यूज़ करूँगा, जो कि काफ़ी ईजिली आप लोग भी ड्रो कर लोगे। तो सबसे पहले हम लोग ये हेड को अच्छे से सीड कर लेते हैं। और किस तरह से मैं सीड कर रहा हूँ देख सकते हो, मैं फर्स्ट लेयर चलाया, देन उसे मैं कॉटन के हेल्प से ब्लेंड कर रहा हूँ, देन उसके बाद मेकअप ब्रश का भी यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंड करने के लिए, देन उसके बाद और भी सेकेंड लेयर चला रहा हूँ। तो इसी तरह करके आप लोग को लेयर वाइज सीडिंग करना है, उसे अच्छे से ब्लेंड वगैरह करना है। ब्लेंड वगैरह करने के बाद हम लोग इसके ऊपर डिटेल करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखो, वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह करके देख सकते हो सीड वगैरह कर रहा हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड वगैरह भी करूँगा। जब मैं डिटेल करने लूँगा फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मैं डिटेल करूँगा। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा देख सकते हो, जो लेयर्स है लेयर्स को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और उसे अच्छे से ब्लेंड वगैरह कर रहा हूँ। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी तरह करके आप लोग को सेड करना है, सेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लेंडिंग में उतना। पहले आप लोग को सेड पे फोकस करना है, सेडिंग आप लोग को बहुत ही बेहतरीन करना है, देन उसके बाद आप ब्लेंड करोगे, ब्लेंड करने के बाद और भी ज़्यादा मस्त हो जाएगा। देन अब इसके ऊपर से और भी मुझे जहाँ पे लग रहा है कि डार्क है वहाँ पे मैं डार्क चला रहा हूँ। और अब यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा हाईलाइट वगैरह था यहाँ पे, तो उसे मैं हाईलाइट वगैरह दे रहा हूँ, उससे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। जो भी मतलब रेफरेंस फोटो में था वैसा बिल्कुल मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल वगैरह हाईलाइट वगैरह करूँगा तो और भी ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैं डिटेल कर रहा हूँ, टॉम्बो मोनोजराइजर का यूज़ करके छोटा छोटा डॉटेड डॉटेड पॉइंट मैं चला रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी तरह करके आप लोग को भी चलाना है, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिटेल करेंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैं जो व्हाइट वाले पार्ट है वहाँ पे मैं जेली रोल पेन का यूज़ कर रहा हूँ डॉट डॉट चलाने के बाद। यहाँ पे देख सकते हो फिर अब मैं डिटेल करने आ गया, डिटेल कर रहा हूँ। और नॉर्मल जो भी टू वे पेंसिल है, लाइट पेंसिल से मैं यहाँ पे डिटेल कर रहा हूँ। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा। तो इसी तरह से आप लोग को डिटेल करना है। और देख सकते हो जो हाईलाइट वाले पार्ट है, जो छोटे छोटे डॉटेड दिख रहे हैं आपको, उसके चारों ओर मैं डिटेल कर रहा हूँ और ज़्यादा वो बेहतरीन लगने लगता है, एक हाइपर रियलिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलने लगता है। इसी तरह आप लोग टाइम दे के पेशेंस के साथ आप काम करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे और भी मुझे लगा कि डिटेल है, तो वहाँ पे मैं डिटेल कर रहा हूँ। और इस तरह से आप डिटेल करोगे, इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा और आपको टाइम ही बेसिकली देना है। टाइम दोगे तो और भी ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक वाला लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अब मैं आ चुका हूँ लिप्स में। लिप्स को ड्रॉ करने के बाद फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे बियर्ड, और बियर्ड ड्रॉ करने में काफ़ी मजा आने वाला है। तो लिप्स को तो इजीली ड्रॉ करना है, लाइक उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम लोग को सेड करना है, लेयर वाइज सेडिंग करने हैं और उसे ब्लेंड वगैरह करके उस पर डिटेल वगैरह करना है, हाईलाइट वगैरह देना, तो आपका लिप्स हो जाएगा तैयार। देख सकते हो मैं किस तरह से सेड करा, ब्लेंड करा, देन उसके बाद हाईलाइट दे रहा हूँ और फिर इसके बाद डिटेल करूँगा इसके ऊपर से, देख सकते हो। तो इस तरह करके करने पर बहुत ही ज़्यादा जो हमारा लिप्स है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगेगा। और यहाँ पे देख सकते हो मैं जेली रोल पेन का भी यूज़ कर रहा हूँ और ज़्यादा हाईलाइट को देने के लिए और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए। तो देख सकते हो ये कुछ ऐसा लग रहा और हमारा लिप्स हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे देख सकते हो अब हम लोग क्या करेंगे, बियर्ड को ड्रॉ करने वाले हैं। तो बियर्ड इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट को आप लोग अच्छे से देखना किस तरह से मैं बियर्ड को ड्रॉ करूंगा। तो बियर्ड को ड्रॉ करने के लिए मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करूंगा, जो कि खाली पेन है। और देख सकते हो मैं इसी तरह से करके एक एक जो स्ट्रोक है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इसी तरह करके आप लोग को अच्छे से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करना है और उसी के तरह आप लोग को जहां पे भी जिधर स्ट्रोक गया हुआ है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स वगैरह गए हैं, उस डायरेक्शन में आप लोग को एक एक स्ट्रोक को देना है। टाइम लगेगा, टाइम देना ही है आप लोग को। अगर रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक बियर्ड ड्रॉ करना चाहते हो तो टाइम काफी देना है, ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत जल्दी हो गया, बट यही है कि ये प्रोसेस आप यूज करोगे तो आपका जो ड्रॉइंग है वो थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा और आपका जो डिटेलिंग है वो भी बहुत बेहतरीन होगा। तो इस तरह करके आप लोग ये टेक्निक का यूज़ करो और देखना बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा आप अच्छा एक बियर्ड ड्रो कर पाओगे, रियलिस्टिक बियर्ड ड्रो कर पाओगे। तो देख सकते हो मैं ये जो इंडेंटिंग टेक्निक यूज़ करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मैं जेनरल्स की चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अगर जेनरल्स की चारकोल पेंसिल आपके पास नहीं है तो आप कैमलिन की चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल आप यूज़ करना और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा उस पेंसिल से भी। तो देख सकते हो मैं इसी तरह करके मैं पूरे जो पार्ट है पूरे एरियाज में मैं फिल करूंगा चारकोल पेंसिल से, सीड करूंगा, देन उसके बाद यहां पे देख सकते हो मैं ब्लेंड करूंगा। ब्लेंड करने के बाद और भी ज्यादा एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, देन उसके बाद अभी उतना तो अच्छा नहीं लगेगा, इसमें हाईलाइट वगैरह करेंगे तो और भी ज्यादा हाइपर रियलिस्टिक एक रियलिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अभी घबराना नहीं है बिल्कुल भी और आप लोगों को
जैसा जितना ज्यादा डार्क है, जिस पोर्शन में जितना ज्यादा डार्क है उतना ज्यादा डार्क करना है। अभी डिटेल अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डार्क करके हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो डिटेल है वो तो इंडेंटिक टेक्निक ही आपका कर दे रहा है, उसमें तो आप लोग को कुछ करना नहीं हो रहा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट वगैरह जो आ रहा है वो इंडेंटिंग टेक्निक के थ्रू ही आ रहा, तो इसलिए आप लोग इंडेंटिंग टेक्निक जब यूज करोगे, जो स्ट्रोक वगैरह चलाओगे खाली पेन से, उस समय आप लोग अच्छे से ध्यान से चलाना, जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक होगा उसी डायरेक्शन में आप लोग को चलाना है। तो गाइस यार देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छे से मैं यहाँ पे सीड कर रहा हूँ, और जो इफेक्ट देखने को मिल रहा वो काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा, और इसे अभी मैं ब्लेंड करूंगा, तो ब्लेंड करने के बाद आप लोग को बिल्कुल से ही पूरा ब्लेंड करना है। और देख सकते हो यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, और ये वाला पार्ट थोड़ा लाइट था तो यहाँ पे मैं लाइट छोड़ा एंड देन उसे ब्लेंड करा, और इस पार्ट जो भी बियर्ड वाले पार्ट है यहाँ पे मैं अब इसे अच्छे से पूरे अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड करूंगा। तो देख सकते हो ब्लेंड करने के बाद कितना ज्यादा बेहतरीन लग रहा, और अभी इसके बाद मैं इसमें हाईलाइट वगैरह दूंगा तो और भी ज्यादा एक रियलिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ये पूरे बियर्ड को, आप लोग को भी इस पूरे बियर्ड को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो गाइस यार अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब बारी है हम लोग को डिटेल करना है, जो भी हाईलाइट है हाईलाइट को देना है। हाईलाइट को देने के लिए मैं टॉम्बो मोनो जीरो यूजर का यूज करूंगा, और देख सकते हो मैं एक छोटे छोटे स्ट्रोक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और हाईलाइट वगैरह कर रहा हूँ, तो कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा। तो इसी तरह करके पूरे जो बियर्ड है वहां पे मैं चलाऊंगा, जिस तरह से अच्छे से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करना है, और जहां पे आप लोग को लग रहा है कि वहां पे हाईलाइट है वहां पे आप लोग को हाईलाइट वगैरह देना है अच्छे से, एक एक स्ट्रोक को देना है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैं दे रहा हूँ। काफी ज्यादा टाइम का यहाँ पे आप लोग को यूज करना है, और अच्छे से टाइम देना है, पेशेंस के साथ एक एक स्ट्रोक को चलाना है, और अच्छे से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके वैसा बियर्ड को ड्रो करने की कोशिश करना। तो देख सकते हो एक रियलिस्टिक इफेक्ट देखने को मिल रहा, ज्यादा कुछ हम लोग किए भी नहीं, सिर्फ इंडेंटिंग टेक्निक का यूज करा एंड उसके ऊपर से हम लोग ब्लेंड करा, मतलब शेड वगैरह करा चारकोल पेंसिल का यूज करके उसे ब्लेंड करा, देन उसके बाद यहाँ पे मैं हाईलाइट दे रहा हूँ, सिंपल एक एक स्ट्रोक को चला रहा हूँ, तो और भी ज्यादा बेहतरीन लग रहा जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। तो काफी ज्यादा इजी होता है बियर्ड को ड्रो करना, हेयर को ड्रो करना। तो अगले पार्ट में हम लोग हेयर को ड्रो करेंगे, तो उसके लिए भी वेट करना। और वीडियो थोड़ा लेट आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, मैं ट्रेवल कर रहा था इसलिए वीडियो लेट आ रहा था, तो वीडियो अभी थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा लेट से ही वीडियो आएगा, उस पर भी आप लोग थोड़ा वेट करना। और लास्ट में थोड़ा ये डिटेल आप लोग कर लेना, लाइक बियर्ड के चारों तरफ, फिर उसके बाद ये हमारा बियर्ड हो गया कंप्लीट। और आई होप कि वीडियो आप लोग को काफी हेल्प करेगा, काफी मजेदार हुआ होगा, और आप लोग बहुत ही इजी वे में ऐसा ही बियर्ड को ड्रो कर लोगे। सो आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट में, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, बाय एंड टेक केयर।